साथ ये नाका लगा है, ये दूसरा दिन है हमारा यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो ओवरलोडिंग पर है। और हमारे एसएसपी साहब की तरफ से भी जो हमें इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि ओवरलोडिंग पर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और उन्हीं की डायरेक्शन पे आज भी और आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। जो साइड पे स्टेशन जो भी, जैसे चंडू को रोड जाती है, साई मीरा, यहाँ पे सबसे टफ रोड है, और एसपी साहब ने इस रोड के लिए जो पूंछ से केजी मेंढर को जाती है ज़्यादा स्ट्रेस दी है कि इस पे ओवरलोडिंग पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस पे हमने गाड़ियाँ सीज भी की हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने आज चलानिंग भी, ओवरलोडिंग के चलान भी किए हैं। आगे भी फर्दर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ईद वाले दिन कोई भी जब रिलीजियस फंक्शन होता है उसमें यह है कि पब्लिक, जैसे ईद के दिन बहुत ज़्यादा पब्लिक गाँव से निकलती है, इतनी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे ओवरलोडिंग होती है। लेकिन आम रूटीन पे ओवरलोडिंग नहीं होती, जो भी हमें मिलता है हम उसको चलान करते हैं और FIR भी लगाते हैं। जब तक पब्लिक ऑपरेट नहीं करेगी ओवरलोडिंग पे, 100% कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हर जगह हमारा पहुंचना जो इम्पॉसिबल है, बस जो गाड़ी जैसे 8 हमारी सोमो में पास है, तो पब्लिक को खुद ही सोने पे 8 से 9 आगे हम एक्स्ट्रा ना बैठें, क्योंकि गाड़ी इंश्योरेंस ही 8 सवारी की है, तो इससे ज़्यादा बैठेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, आगे कुछ भी होगा। तो हमारी पब्लिक से कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, और आगे ये है कि ओवरलोडिंग पे कंटिन्यू हम चलानी भी करेंगे, और कंप्रोमाइज़ हम इस पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे।